हे गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ GTA 5। और आज इस GTA 5 के ट्यूटोरियल में गाइस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप ऐड ऑन कार्स अपनी GTA 5 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम GTA5Mods.com की वेबसाइट पे जाके एक कोई भी रैंडमली ऐड ऑन कार सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये है अपनी लैम्बोर्गिनी डियाब्लो SV और ये ऐड ऑन कार है गाइस। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि आप ऐड ऑन कार ही इंस्टॉल करो। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद अपने को चाहिए होगा OpenIV। OpenIV का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जितनी भी वेबसाइट है जहाँ से आप गाड़ी डाउनलोड कर सकते हो उन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। OpenIV डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है तो मैं अभी एट प्रेजेंट डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से मैंने अपना OpenIV ओपन किया तो इंस्टॉल होने का। OpenIV को जब आप लॉन्च करोगे इसकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। इसमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का विंडोज़ वर्जन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको लोड होने देते हैं गाइस, अभी इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अभी पहले हम जाते हैं अपनी ऐड ऑन की हुई गाड़ी में और इसको जो है मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको जो है मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहीं पर एक फोल्डर में। अब गाइज आप देख सकते हो इसके अंदर एक फाइल है dlc.rpf और यहाँ पे एक फोल्डर है ldsv। तो गाइज इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें कुछ नहीं करना है। इस फोल्डर को आप कट कीजिए, अपनी डायरेक्टरी में जाइए जहाँ पे हमने GTA 5 इंस्टॉल कर रखी है, उसमें जाके यहाँ पे आपका एक फोल्डर रहता है अपडेट का। इस अपडेट के फोल्डर में जाइए, यहाँ पे X64 फोल्डर होगा और यहाँ पे एक फोल्डर होगा DLC पैक्स का। तो इसमें जाके बस सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, यहाँ पे आपको फोल्डर पेस्ट कर देना है। इसका फोल्डर का नाम है LDSV। इस चीज़ का हम लोग गाइस ध्यान रखेंगे कि फ़ोल्डर का नाम क्या है, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। अब हालांकि क्या होता है, जो इनकी फाइल्स होती हैं उसके रीडमी में एक ना हमें लाइन ऐड करनी होती है, वो मैं अभी पहले आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको जाना है अपडेट में, अपडेट में update.rpf, यहाँ पे कॉमन देन डेटा। इसके अंदर आपको एक फ़ाइल होगी dlclist.xml, इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इसका बैकअप बना लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बैकअप तो मैं नहीं बना रहा हूँ। इसको हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे गाइस बहुत सारी लाइंस जो है दे रखी होती है। ये कुछ मेरी पुरानी ऐड ऑन कार्स हैं उनकी लाइनें। अब जो कि इसका फोल्डर का नाम मैंने आपको बताया था, हमें ध्यान रखना है LDSV इस फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कोई भी एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ और उसी को एडिट कर दूँगा। यहाँ पे आके इसमें से m4.com, ये m4 की फ़ाइल थी, इसको हटा के अब हम कर देंगे LDSV बस, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गाइस आप इसको बंद कर दो, इसको फिर एडिट पे करो, इसको येस कर दो और देन इसको ड्रा करके सीधा यहाँ ड्रॉप कर दो। बस अब हमारी ये जो है गाड़ी इंस्टॉल हो गई है और इसको स्पैन करना है। तो पहले हम GTA 5 अपनी लॉन्च कर लेते हैं। तो गाइस अब हमारी गेम जो है ओपन हो गई है। यहाँ पे आके अब अगर हमें गाड़ी स्पैन करनी है तो मैं F8 दबाऊँगा
F8 दबा के जो है मेरा मेन्यू का मोड खुल जाएगा, मोड मेन्यू। और मेन्यू का मोड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें गाड़ियाँ स्पैन करना है और भी चीज़ें को का ट्रेनर यूज़ करना बहुत आसान होता है। सिंपल स्पैन का ऑप्शन जाके सुपर में मैं जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने 720 स्पाइडर पहले इंस्टॉल कर रखी है, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी का नाम आ गया DL2SV जो अभी हमने जस्ट इंस्टॉल करी थी। और यहाँ पे सिंपल आप एंटर प्रेस करोगे और ये आपकी गाड़ी आ गई, ये आपकी गाड़ी जो है इंस्टॉल हो गई है। आप देख सकते हो गाड़ी इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आप लोगों का एक बार 360 व्यू दे देता हूँ इस गाड़ी का। इसमें जो है स्पॉइलर लगा लगाया है। तो गाइस दिस इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल एड ऑन कार्स इन GTA 5। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू।